أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي مولانا و مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر दर्शगाह हुसैन इब्न अली जिसमें आने वालों की कोई कैद नहीं और एक ऐसा बाबे इल्म के बेटे के नाम से बिछाया जाने वाला फर्श इल्म कि जो तशनगान इल्म की प्यास को बुझाने के लिए काफ़ी है और मार्फत के मोती अपने ज़र्फ के एतबार से लोग दरसगाह हुसैन इब्न अली से लेके जाते हैं। मंजिल अता पे हुसैन इब्न अली मज़हब नहीं देखते, अकीदत देखते हैं कि किस अकीदत के साथ में आने वाला आया है, किस मकसद के साथ में आया है। ये 10 दिन जो हमें मिले ये कुछ लेने के लिए मिले हैं, ये आज़ादारी किसी रस्म की अदायगी नहीं है कि जिसे हर साल अदा किया जाता हो, बल्कि एक तहरीक मुकद्दस है जिसके पीछे एक मकसद छिपा हुआ है। अगर हम उस मकसद तक पहुंच गए तो हुसैन के मकसद में शामिल हो जाएंगे और अगर इसे रस्म बनाए रहें तो मकसद हुसैन से दूर रहेंगे। मजलिस में शरीक होंगे, मकसद में से दूरी इख्तियार हो जाएगी, है ना। ये हमारा नौजवान जो कल का मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है और जिम्मेदारी कौम की इन नौजवानों के कंधे पर है। कौम इन्हीं के जरिए कल पहचानी जाएगी। अगर हमने इनको इल्म से मामूर कर दिया तो ये पूरी कौम इल्म से मामूर हो जाएगी और अगर ये नौजवान नाउज़ु बिल्ला गुमराह हो गए तो नौजवान गुमराह नहीं हुए, कौम गुमराह हो गई। इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो नौजवान हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे यहां बैठे हुए हैं, नौजवान पीछे हैं। नौजवानों को हर फील्ड में आगे होना चाहिए, पता चल जाए कि ये नौजवान बाबे इल्म से अपनी प्यास बुझाने आए हैं, ये बाबे इल्म के मानने वाले हैं, अबू जहल के मानने वाले नहीं है। इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये फिर मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और मैं फिर थोड़ी सी, ये आपको जहमत होगी, बच्चे थोड़ा इधर आ जाएं और बुजुर्ग थोड़ा सा और आगे आ जाएं ताकि आने वालों के लिए भी मदहमत ना हो। और एक और सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और बुलंद तरीन सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
आयत आपके सामने पेश कर दूं, या अय्युहन नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनजलना इलैकुम नूरम मुबीना। ये आयत हमारा सरनामा कलाम करार पाई और इसी के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह 10 दिन तक आपकी समातों को मद्देनजर रखते हुए जारी रहेगी इंशाल्लाह, और आप इसी अंदाज में ज़ौक और शौक के साथ, जज्बाए लिल्लाहियत के साथ उस वली मुतलक के बेटे की अदादारी में शरीक होकर इस बात का ऐलान करते रहेंगे कि हम मजलूम के साथी हैं, जालिम के साथी नहीं हैं। ये आजादारी ऐलान है इस बात का कि हम मजलूम के साथी हैं, जालिम के साथी नहीं है। और मिजाज ये है दुनिया का कि अपना रिश्ता उससे जोड़ती है ये कायनात और इंसानियत के जो बुलंद होता है। 90 करोड़ कलमा पढ़ने वाले अपना रिश्ता रसूल से जोड़ते हैं कि हम रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, है या नहीं? इस धरती पर, इस कुर्रे अर्श पर जहां जहां भी मुसलमान हैं वो अपना रिश्ता और अपना तारुफ रसूल इस्लाम के जरिए करवाते हैं। एक काफिर किसका कलमा पढ़ के मुसलमान होता है? रसूल का, अल्लाह का नहीं। इसलिए कि काफिर कुछ वो हैं जो अल्लाह के निराकारी होने के कायल हैं, उसका कोई आकार नहीं मानते। अल्लाह को मानते, रसूल अल्लाह को नहीं मानते, वो कौन है? काफिर ही है। लेकिन जैसे ही रसूल की रिसालत की शहादत पेश की तो अब कहा गया ये मुसलमान है। तो मुसलमान अपना रिश्ता किससे जोड़ता है? रसूल इस्लाम से, है ना? रसूल इस्लाम से हर एक कलमा पढ़ने वाला अपने को निस्बत देता है कि मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं। और ये इंसान की जिबिल्लत और उसके नेचर में ये बात शामिल है कि हमेशा वो अपना रिश्ता उससे जोड़ता है जो बुलंद होता है। अगर कोई मिनिस्टर बन जाए बस्ती का और किसी एक आम इंसान से पूछा जाए बस्ती वाले से, भाई इनको जानते हो? कहां जानते हो, वो मेरे चचा लगते हैं। बलाओ उनका दूर का भी रिश्ता नहीं हो, लेकिन फितरत के तकाजे के तहत रिश्ता जोड़ना शुरू कर देता है इंसान। रसूल से भी लोगों ने रिश्ता जोड़ा। मक्के वालों ने कहा ये मक्की है, मदीने वालों ने कहा ये मदनी है, अरब वालों ने कहा ये अरबी है। रसूल से रिश्ता जोड़ लिया। भाई पूरी कायनात के मुसलमान जिससे रिश्ता जोड़े उसे रसूल कहते हैं, और रसूल जिससे अपना रिश्ता जोड़ रहा है उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, है ना? हर आदमी जोड़ता है ना रसूल से रिश्ता कि मैं रसूल से हूं, मैं रसूल का कलमा पढ़ने वालों में से हूं। लेकिन रसूल कौन है? अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। गुजरात का रहने वाला गुजराती कहलाएगा, है नहीं? एक लखनऊ का रहने वाला लखनवी कहलाएगा, देहली का रहने वाला देहलवी कहलाएगा। यानी जिससे वो रिश्ता जोड़ रहा है उससे मंसूब हो जाएगा, है या नहीं? तो अब रसूल से पूछा जाए कि रसूल आप मक्की हैं, आप मदनी हैं, आप मदीने से हैं, मक्के से हैं, अरब से हैं, अजम से हैं, आवाज आई अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। तो मक्के का रहने वाला मक्की,
मदनी मदीने का रहने वाला मदनी, रसूल ने क्या कहा, मैं हुसैन से हूं तो रसूल हुए हुसैनी। मैं देखे आप गौर करें, है रसूल कौन है, हुसैनी, हुसैनी। अब जो भी हुसैन की मुखालफत कर रहा है वो हुसैन का मुखालिफ नहीं है। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो रसूल ने क्या कहा, अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, तो रसूल हुसैनी है या नहीं, ऐलान किया। और हमारे बरादरे अहले सुन्नत ने नबी के मुअज्जम और मुकर्रम की ज़बान तैयब से निकले हुए पाकीज़ा कलमात को अपनी सही किताबों में जगह दी है और लिखा है कि नबी अकरम ने फरमाया कि हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, है ना। तो रसूल कौन है, हुसैनी है। अब जहां जहां भी मुखालिफ हुसैन कोई है वो हुसैन की मुखालफत नहीं कर रहा है, वो रसूल का मुखालिफ है, है ना। मैंने आपके सामने सूरह निसा कुरान मजीद का चौथा सूरा पांचवा पारा आयत नंबर 174 को पेश किया। कुरान जो एक यूनिवर्सल लॉ है और एक ऐसी आफाकी और लासानी किताब है कि जिसका सानी रहती दुनिया तक तलाश नहीं कर सकती, ला ही नहीं सकती, जबकि ये खामोश है, लेकिन इस खामोश के सामने पूरी कायनात खामोश है, कोई नहीं जवाब लाया, है या नहीं। अरे जब खामोश के सामने कायनात खामोश है तो फिर बोलते हुए के सामने कौन बोलेगा। यह है खामोश, जिसके लिए सूरह कद्र में यह इरशाद हुआ रब्बे दो जहां का, सूरह कद्र जो 97 नंबर का सूरह है, 30वें पारे से ताल्लुक रखता है, आगाज के कलमात है, इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल कद्र, हमने इसे नाजिल किया, कब नाजिल किया, शबे कद्र में। कुरान के नजूल की बात आई तो खल्ला के कायनात ने क्या कहा, हमने इसे शबे कद्र में नाजिल किया। सूरह दुखान जो 44वां सूरा है, 25वां पारा है, 30वीं आयत है, आवाज आई, इन्ना अनज़लना फी लैलतिल मुबारका, हमने इसे नाजिल किया मुबारक रात में। सूरह कद्र में क्या कहा, कद्र वाली रात, और सूरह दुखान में क्या कहा, मुबारक रात। तो जिस रात में कुरान आया वो मुबारक भी है और कद्र वाली भी है, दो लकब है ना उस रात के, दो टाइटल है, ये मुबारक भी है और कद्र वाली रात भी है, और किसी चीज के भी दो लकब है। पर ये सूरह आले इमरान जो कुरान मजीद का तीसरा सूरह है, चौथा पारा है, आयत नंबर 94 में फरमाया कि इन्ना अव्वला बैतिन वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, इन्ना अव्वला बैतिन वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो जो अल्लाह ने सबसे पहला घर वजा किया बनाया लोगों के लिए, बिबक्का, बक्का अगर अरबी डिक्शनरी उठाएंगे तो बक्का बना बुका से, और बुका के माने हैं गिरिया करना। अल्लाह ने जो पहला घर बनाया उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, बक्का, बक्का मतलब जहां बुका की जाए, गिरिया किया जाए। परवरदिगार एक घर बनवाया उसे भी अदा खाना बना दिया, है बक्का जहां गिरिया की जाए, लेकिन तर्जुमा यह किया कि मक्का, हालांकि डिक्शनरी में अगर बक्का के माने देखेंगे तो उसके माने मक्का नहीं है, लेकिन तर्जुमा यही किया जाता है कि मक्के की सरजमीन पे अल्लाह ने इस पावन धरती पर मक्के की एक घर बनाया, और खुद नहीं आया बनाने के लिए बल्कि दो मासूम जातों का इंतखाब किया, और इतनी मासूम जाते कि जिन्हें जात वाजिब ने मुंतखब कर लिया, इंतखाब किया जिनका,
उसमें इब्राहिम और इस्माइल की दो जातें हैं, एक बाप और बेटे की, और दोनों मासूम हैं। इन मासूम शख्सियतों के जरिए से उसने पहला घर बनवाया। और क्यों बनवाया, उसका रीजन बताया। मक्के में बनवाया, इन्ना अव्वला बैतिन वजा लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारक व हुदन, ये मुबारक भी है और हिदायत भी है। दो लकब हो गए ना इसके अल्लाह के घर के, ये मुबारक और हिदायत। और कुरान जिस रात में आया उसके कितने लकब है, दो, कद्र वाली रात और मुबारक रात, है ना, दो लकब है उसके। और अल्लाह के घर के कितने लकब हो गए, मुबारक और हिदायत, दो लकब इसके हो गए। अब पूछने वाला पूछ रहा है कि साहब काबे के दो लकब क्यों है, तो पहले आप ये बताएं कि रात के दो लकब क्यों है। इसलिए कि अगर रात की बात समझ में आई तो काबे वाली बात भी समझ में आ जाएगी। तो कहा साहब इस रात के दो लकब इसलिए दिए कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ, इस रात में कुरान आ गया, है ना, यही वजह है ना। तो जिस रात में कुरान सामित आ जाए, जब उस रात के दो लकब है, तो जिस घर में कुरान नातिक आ जाए, सलाम पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो उस घर के अगर अल्लाह दो लकब दे कि ये हिदायत भी है और मुबारक भी है, ये घर जो अल्लाह ने बनवाया ये हिदायत और मुबारक है। भाई मुबारक क्यों, इसलिए कि कोई मुबारक जात इसमें आई। हिदायत क्यों, कि कोई बेहतरीन हादी यहां आ गया, जिसकी वजह से ये हिदायत का सरचश्मा बन गया। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि हमने इसे नाजिल किया कद्र वाली रात में, सूरह दुखान में कहा हमने इसे नाजिल किया मुबारक रात में। रात समझ में नहीं आज तक आई कलमा पढ़ने वालों की कि जिस रात में कुरान आया, है ना, यानी जिस रात में कुरान आया, जब वो रात आज तक समझ में नहीं आई तो जिस जात पे कुरान आया वो जात क्या समझ में आएगी। तो फरमाया हमने हिदायत और मुबारक करार दिया उस घर को जिसमें बोलता हुआ कुरान आया, और उस रात को हमने कद्र वाली रात और मुबारक रात करार दे दिया कि जिसमें खामोश कुरान आया। ये कुरान और एक ऐसी मुहकम किताब है और एक ऐसी लारैब किताब है कि जो ऐलान करती चली आ रही है जब से नाजिल हुआ आज तक, कुरान ऐलान कर रहा है। तुम किताबें कितनी भी लिख डालो लेकिन एक ऐसी किताब लिख के लाओ तो हम समझ लेंगे तुमने इल्म में बड़ी तरक्की कर ली है। तो पुरानी किताब, इस नए दौर के नए मिजाज रखने वाले नए इंसानों से, इसलिए कि अब तो हर आदमी का जहन भी बदल रहा है, कल्चर भी बदल रहा है, फिक्र भी बदल रही है, माहौल बदल रहा है, शख्सियतें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और इंसानों के मकानों के डिजाइन बदल रहे हैं, लिबास के कलर चेंज हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं बदल रहा इस बदलते हुए जमाने में, है या नहीं। इसलिए कि मिजाज इंसान में ये बात शामिल हो चुकी है कि अब नई चीजें आनी चाहिए। आप देखते हैं जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, हर साल बच्चों की जो सब्जेक्ट की किताबें होती हैं उसमें लेसन चेंज कर दिए जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं। भई ये लेसन क्यों चेंज किए जा रहे हैं, चलने दीजिए भई, जो चलते चले आ रहे हैं शुरू से आप रहने दीजिए। अब अगर कोई 90 साल का इंसान ये तलाश करे बुक सेलर के यहां जाके कि जो हमारे पीरियड में इस सब्जेक्ट की किताब चलती थी मुझे वो चाहिए, मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। अब चचा चले जाए मसलन एक बुक सेलर के यहां कि वो 70 साल पहले जो प्राइमरी में किताब पढ़ाई जाती थी वो चाहिए, उन्होंने कहा साहब 70 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल पुरानी नहीं मिलती, आप 70 साल की बात कर रहे हैं।
क्यों? इसलिए कि मिजाज में यह बात आ चुकी है कि इंसान तरक्की चाहता है, और इस मून लाइट में, इस रोशनी की दुनिया में इल्म की नई नई राहों को ईजाद कर रहा है, और ये नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और इंसान तरक्की ही करता चला जा रहा है, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता बल्कि वो आगे बढ़ना चाहता है ना। अब वो चीजें जो एक्सपेरिमेंट में आ गई हैं, वो उन तस्वीरों को सामने रखा जाता है। अब वो चीजें जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है, वो चीजें बच्चों के सब्जेक्ट में शामिल की जा रही है, क्योंकि अब नए दौर के नए इंसान नई बातों से आशना हो जाए। अब वो पुरानी चीजों को छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें पहले मखसूस जानवरों की किताबों में छापी जाती थी, है होता था या नहीं होता था, लेकिन अब ऐसे ऐसे जानवर जो बुजुर्गों ने कभी देखे ही नहीं थे, वो या तो डिस्कवरी पे देख रहे हैं आज, या एनिमल प्लानेट पे देख रहे हैं, या ज्योग्राफी चैनल पे देख रहे हैं। उससे पहले उन्होंने हकीकत में कहीं नहीं देखा उन जानवरों की तस्वीरों को। अब वो नई तस्वीरें नए दौर में जो रिसर्च होती है, पानी की तह में इंसान पहुंचा और वहां से जानवरों की तस्वीरें ली और पब्लिक के सामने उसने पेश कर दिया ज्योग्राफी चैनल के जरिए। वो तस्वीरें अब किताबों में आ गई, बच्चों के सब्जेक्ट में, वो लेसन में वो तस्वीरों को दे दिया और उनके बारे में बता दिया कि इतने किस्म के जानवर है, मसलन मछली है उसकी कितनी किस्में हैं। अब एक फूल की तरीके से दिखाई दे रहा, उन्होंने कहा ये मछली है, देख रहा है कि एक पत्ते की तरह कोई चीज बनी हुई है कि उसने कहा कि ये मछली है, इसका नाम ये है, ये है या नहीं। जानवरों की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, अब ये हो रहा है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस मशीन को पानी में छोड़ दिया जाता है, और वो जानवर की आवाज जब उससे मशीन से बरामद होती है, रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो जानवर होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। इस तरीके से आज साइंस वाले जानवरों का शजरे का पता लगा रहे हैं, पानी की तह में जाके रिसर्च करके उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके उसे मशीन को पानी में डाल के छोड़ देते हैं, खोल के उसमें से मशीन से वो आवाज आती है, उससे रिलेटेड जो जानवर होते हैं वो जमा होते जाते हैं, और साइंस इस तरीके से जानवरों के शजरों का पता लगा रही है। अबू तालिब के बेटे के दौर में एक शख्स ने कहा कि आका मैं दरिया को पार करना चाहता हूं और फला रास्ता कहां जाता है। कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, जानवरों से पूछो। कहा सरकार वो मेरी आवाज कैसे समझेंगे, मैं उनकी अजबान कैसे समझूंगा। काली के सामने ऐसा कह रहे हो, अली के सामने खड़े हो, आओ। और एक मर्तबा इस तरह हाथ किया और कह रहे जाओ जाओ समंदर के किनारे जाओ और जाके इस जानवर का नाम लो, और ये जानवर बाहर आएंगे और इनसे पूछ लेना कि कौन सा रास्ता कहां जाता है। वो शख्स आया समंदर के किनारे, अली की दी हुई ताकत के जरिए से उसने अपनी जबान खोली, आवाज को बुलंद किया, और उस नाम के हजारों जानवरों ने अपने अपने चेहरों को पानी से बाहर निकाला और कहा कि तू किसे बुला रहा है, हम तो सब इसी नाम के हैं। वो हैरान हो गया, परेशान होकर अमीर मुमकिनात के पास वापस आ गया। सरकार इस नाम के तो हजारों लाखों निकल आए कि एक दर्जा और बढ़ा रहा हूं, फला इब्ने फला कह के आवाज दे। वो फिर आया और उसने फिर यही कहा, ये फला इब्ने फला, तो फिर हजारों की तादाद में सर बाहर बरामद हुए पानी से। ने किसे पुकार रहे हो, और फिर हैरान हुआ ये माजरा क्या है। फिर वापस आया, मौला इसके नाम के भी हजारों। इमाम ने कहा एक दर्जा और बढ़ाई देता हूं। फिर कहा फला इब्ने फला इब्ने फला। वो फिर आया, फिर आवाज दी, फिर निकले हजारों की तादाद। यहां तक के इमाम दर्जा बढ़ाते चले गए, उनके शजरे बताते चले गए, ये जाके आवाज देता चला गया। लास्ट में जब बहुत देर हो गई और कई नस्लें वापस सर निकाल चुकी, लास्ट में जो सर निकले उन्होंने कहा तू जानवर है या मैं, हम जानवर है। कहा क्या मतलब? कहा तेरी समझ में यह नहीं आ रहा है
कि जो पानी में रहने वाले जानवरों के शजरे से वाकिफ है वो रास्तों से वाकिफ नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो रास्तों से वाकिफ नहीं होगा। अब इसकी समझ में आया कि ये जानवर कह क्या रहे। आके उसने कहा कि आप इंसान नहीं है। कहा तो फिर कहिए तो खुदाई का कमाल है कि जो पानी में रहने वाली मखलूक के शजरों से वाकिफ है। अरे का माकल इसके हाथ में आने वाला लोहा शजरों को पहचान लेता है तो इस जात की बात कर रहा है। तो ये रिसर्च आज की जो रिसर्च है अगर आप थोड़ा सा सतह उमूमी से बुलंद होकर सोचे ये सारा कमाल जो है जानवरों के शजरे का पता लगा लेना ये इल्म का कमाल है। नतीजा पहुंचता है इल्म तक। मशीन बनाई इल्म ने बनाई जिहालत ने नहीं। ये जो रिकॉर्ड कर रही है जानवरों की आवाज ये इल्म है जिहालत नहीं है। इसका मतलब इल्म में ताकत है ना। इल्म में ताकत है कि वो पानी की तह में रहने वाले जानवरों की तस्वीरें भी दिखाए और उनकी आवाज भी सुनाए। अरे जब जाहिल पैदा होने वाले का इल्म इतना है तो जिसे जात वाजिब ने इल्म लदुन्नी बना के इस कायनात को हस्तो बूद में भेजा हो। इसलिए कि इंसान है दो तरीके के। सूरह नहल 16:16-14:18 भी आयत वद्दा हो अखरजकुम मिन बुदून उम्महातकुम ला तअलमून शया। अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के बदलों से बाहर निकाला ला तअलमून शया तुम कुछ नहीं जानते थे। इसका मतलब जाहिल पैदा हुए है ना। तो यहां क्या कहा इंसान जब इस कायनात में आया इस यूनिवर्स में आया तो जाहिल पैदा हुआ जाहिल आया। सूरह रहमान 55:27 आगाज के जुमले अर रहमान अल्लमा अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमा अल बयान अश्शम्स वल कमर व हुस्बान व नजम व शजर यस्जुदान व समा रफा व जाल मीजान अल्लाह तदगौ फिल मीजान वाकिम अल वजन बिल किस्त व ला तकसुल मीजान वल अर्ज व जाल अल अनाम फीहा फाकत व नखल जात अल अकमाम वल हब जुल अस वर रेहान फबी अला रब्बिकुम अतुकज्जबान। अर रहमान उसने अपनी रहमानियत का ऐलान किया। खालिक रहमत मेरी जात मालिक रहमत मेरी जात अताए रहमत मैं करता हूं। रहमत का बादल जब झूम कर बरसता है तो जमीन पर आने वाली बूंद यह नहीं देखती कि यह काफिर को फायदा पहुंचा रही है या मोमिन को फायदा पहुंचा रही है। रहमान सिफाते आम्मा है सबके लिए काफिर के लिए भी मोमिन के लिए भी मुशरिक के लिए भी मुनाफिक के लिए भी। अल्लाह जब रिस्क देता है तो आदम को भी देता है शैतान को भी देता है नमरूद को भी देता है मूसा को भी देता है इब्राहिम को भी देता है फिरौन को भी देता है। और मंजिल अता पे फिर ये नहीं देखता कि किसे दे रहा हूं। यह है रहमान। फिर कहता है अल्लमल कुरान मैंने तालीम दी कुरान की। किसे दी नाम तो बता का देख लेना किसी को तो दिया है। आयत पे देखें अल्लमल कुरान सिखाया कुरान पढ़ाया कुरान तालीम दी कुरान की। फिर कहता है खलकल इंसान खल किया इंसान को। फिर कहता है अल्लमहुल बयान उसे कुव्वत बयान से सरफराज किया। तालीम पहले तखलीक बाद में कुव्वत बयान उसके बाद में सिलसिला देखें। पहले तालीम का ऐलान किया फिर जाहिरी तखलीक का ऐलान किया फिर कुव्वत बयान का ऐलान किया। यानी अल्लाह बतला रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इल्म हमने पहले दिया है दुनिया में बाद में भेजा है और दुनिया में जब आए हैं तो उन्होंने लब खोल के बताया कि हम कुरान भी जानते हैं हम इंजील भी जानते हैं हम जबूर भी जानते हैं। सलात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो कुछ ऐसे भी हैं
कि जो अल्लमल कुरान की मंजिल पर फाइज है कि तालीम कुरान का सिलसिला उनसे पहले वाबस्ता रहा, तखलीक उनकी बाद में हुई, दुनिया में बाद में आए, तालीम से पहले सरफराज कर दिया। इसलिए कि आज के इस पीरियड में जब आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज एक जाहिल को पढ़ा लिखा बनाया जा रहा है, जिसने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा वो किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है। कैसे कर रहा है? ये इल्म का कमाल है, इल्म का कमाल। कमाल क्या है कि उसकी थोड़ी सी सर्जरी की, माइक्रोचिप एक अंगूठे के नाखून के बराबर एक चिप वो उसके जहन में लगा दी, उसमें अलग से बैटरी नहीं लगती, जहन से उठने वाली जो तरंगे हैं उनसे वो रिलेटेड कर दी जाती है। अब किसी भी एक सब्जेक्ट का पूरा इल्म उस माइक्रोचिप में है। मसलन अब तक जो एक्सपेरिमेंट साइंस से रिलेटेड हो चुका है वो सारा उसमें है। अब उससे अब जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, पढ़ाई नहीं, आपने उससे साइंस से रिलेटेड जितने सवाल किए वो जवाब देता चला गया, हैरत है या नहीं? एक जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन साइंस से रिलेटेड आप जितना भी पूछते जा रहे वो जवाब देता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि माइक्रोचिप लगी हुई है, माइक्रोचिप लगी हुई है। तो ये कमाल है या नहीं इल्म का? यानी इल्म में ये ताकत है कि एक जाहिल को आलिम बना दे। लेकिन फिर देखे ये जाहिल पैदा होने वाला इंसान कमाल की उस मंजिल पर पहुंच गया कि एक जाहिल को किसी भी एक सब्जेक्ट का आलिम बना सकता है। लेकिन बाबे इल्म, शहरे इल्म, ये जाहिल पैदा होने वाला, लेकिन कमाल क्या है? जब तक माइक्रोचिप उसके लगी हुई है माइंड में तब तक बोल रहा है, निकाल ली जाए तो फिर जाहिल है। बाबे इल्म के बेटे की खिदमत में एक शख्स आया, उन्हें कहा मौला मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं। ने कहा बाबे इल्म के बेटे के सामने जाहिल? जल्दी से कंकरी उठाई, उठाने के बाद अपने दहन में रखी, का अपना मुंह खोल, उसके दहन में रख दी, दहन में रखने के बाद निकाली, निकाल के पूछा आप बता। का मौला 70 जबानों का आलिम बन गया। भाई बड़ा फर्क है जाहिल पैदा होने वाले में और आलिम पैदा होने वाले में। ये जाहिल पैदा होने वाला एक जाहिल को उस वक्त तक आलिम बनाए हुए है जब तक ये माइक्रोचिप लगी हुई है, अगर निकाल लिया जाए फिर जाहिल। लेकिन वाहरे अबू तालिब के बेटे, वाहरे अली के नूरे नजर लखते जिगर, वाहरे मदीनतुल इल्म के बेटे कि तूने कंकरी रख के फिर निकाल ली। अब उसके दहन में कंकरी नहीं है लेकिन 70 जबानों का आलिम बन गया। भाई यही फर्क है कि तुम्हारी माइक्रोचिप एक सब्जेक्ट पे होती है लेकिन अहले बैत इतना दे देते हैं कि 70 जबानों का आलिम बन जाता है। अब इसे जरूरत नहीं कि कंकरी मुंह में रखे रहे, मौला ने निकाल ली, कहा अब बता, अब बता। अरे जिसकी जबान की तासीर ये हो, ये अपने वक्त का मोहम्मद है, अपने वक्त का मोहम्मद है, लेकिन असल मोहम्मद अगर दूसरे मोहम्मद को इल्म ऐसे दे कि जैसे परिंदा परिंदे को गिजा देता है, तो अबू तालिब का बेनियाज बेटा मिंबरे सलूनी पे बैठ के ये आराम करता है कि नबी मेरे सामने इल्म का एक बाब खोलते थे, मैं एक बाब में 70 बाब पैदा कर देता था। ये शाम थी अबू तालिब के लाडले की, ये शाम थी बिनते असद के नूरे नजर की, ये शाम थी उस नबी के शेर की कि जिसके लिए नबियों का नबी इल्म का एक दरवाजा खोलता वो 70 दरवाजे इल्म के उसमें पैदा कर देते। तो ये दरे इल्म है, यहां से कोई खाली ना जाने पाए। और इस इल्म के दौर में बाबे इल्म के जुमले जहन में रहे कि तुम और तुम्हारा बच्चा इल्म के हर फील्ड में आगे बढ़ जाए ताकि जमाने वालों पर इजहार हो
कि ये बाबे इल्म का मानने वाला है, अबू लहब और अबू जहल का मानने वाला नहीं है। तो ये तो अब ये जो कुरान है लासानी और आफाकी पैगाम अल्लाह का, और इसमें ऐलान किया जाते वाजिब ने कि हमने ऐ लोगों तुम्हारी तरफ एक बुरहान, बुरहान से मुराद कुरान, एक रोशन नूर भेजा। रोशन नूर से मुराद जो है वो नबी का नूर और आले नबी का नूर। हमारी गुफ्तगू इन्हीं दो कलमों के तहत में इंशाल्लाह रहेगी, लेकिन आज चूंकि आगाज़े अज़ाए हुसैन इब्ने अली है और लोगों का ये एतराज है कि ये एक मुहर्रम आई और साल शुरू हो गया, और जब साल शुरू हुआ तो ये अली वाले, ये हुसैन इब्ने अली वाले अपने साल का आगाज गिरिया से करते हैं। दुनिया वाले साल के आगाज में खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, मुबारकबाद और तबरीक पेश करते हैं, होता या नहीं? लेकिन इस्लामिक वे से जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है और पहली मुहर्रम से साल का आगाज होता है। ये दुनिया वाले जो खुशियों से अपने साल का आगाज करते। अब कहने वाला और एतराज करने वाला ये कहता है कि तुम अपने साल का आगाज गिरिया से क्यों करते हो, खुशी से क्यों नहीं करते? बात तो सही है, समझने वाली है, लिहाजा ये जवाब भी इसी दरसगाह हुसैन इब्ने अली से मिलना चाहिए, और हमारे बच्चे भी उन कलमा पढ़ने वालों को बता दे खास करके, एतराज कोई गैर नहीं करता, एतराज आता ही उधर से है जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और फिर एतराज करते हैं, है ना? तो अब आप ये जवाब दें कि पहले तो ये बताइए कि क्या आप कुरान को मानते हैं? अगर वो कहेगा बिल्कुल मानते हैं, तो क्या कुरान को पढ़ते हैं? कहेगा हां पढ़ते हैं, समझते भी हैं, है समझते भी हैं। अगर समझा होता तो एतराज ना किया जाता, एतराज ना किया जाता। कहते साहब तुम ज्यादातर रोते ही रहते हो, दो महीना आठ दिन इस तरह रोते हो और फिर जब भी कभी मजलिस हुसैन होती फिर रोते हो, ये ज्यादा टाइम तुम्हारा रोने में गुजरता है। एतराज करने वाले कभी अल्लाह का कलाम पढ़ लेता तो तेरी समझ में आ जाता अल्लाह ने क्या कहा। सूरह बन्नज्म 53वां सूरह कुरान मजीद का और 27वां पारा आयत नंबर 60 और 61 आवाज आई, तजहकूना वला तबकून वा अंतुम सामिदून, तुम हंसते तो हो रोते नहीं हो, तुम गाफिल हो। देखिए जुमले पे गौर कीजिएगा, तजहकूना तुम हंसते हो, वला तबकूना तुम रोते नहीं हो, वह अंतुम सामिदून और तुम गाफिल हो। अल्लाह ने गाफिल किसे कहा? जो हंसते तो हैं रोते नहीं हैं। भाई देखें ये गाफिल कौम कौन सी है कि जो हंसे तो रोए नहीं। अल्लाह ने कह दिया तुम हंसते तो हो रोते नहीं हो, तुम गाफिल हो, गाफिल हो। अब समझ लेना कि गाफिल कौन है और आकिल कौन है। सूरह मायदा 5वां सूरा 7वां पारा आयत नंबर 83, वैदा समय उमा उनसिला इला रसूल तरा आयुना हम तफीजो मिन दम मिम्मा रफ मिन हक, वैदा समय उमा उनसिला इला रसूल, जब ये उसे सुनते हैं रसूल जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, नाजिल किया गया है, तरा आयुना हम तो आप इनकी आंखों को देखे, तफीजो मिन दम इनकी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो जाता, क्या रोते हैं? मिम्मा अरफू मिनल हक, ये रो इसलिए रहे हैं कि इन्होंने हक को पहचान लिया। भाई अल्लाह ने तो क्लियर कर दिया, अब इससे ज्यादा और क्या कर? रो क्यों रहे? इन्होंने हक को पहचान लिया। अब बात वाजे हो गई कि जो हक को पहचान लेते हैं जुमलों को बदल लू,
हक वाले गिरिया करते हैं, बातिल वाले कभी मजलूम का मातम नहीं करते हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एतराज क्या है भाई, तुम आगाज करते हो साल का, अच्छा इंसान का आगाज कहां से? इंसान का जो आगाज है धरती पे, सबसे पहला कौन है? सबसे पहले कौन आया? श्रीलंका में सरामदी पहाड़ पे आदम सफीउल्लाह को अल्लाह ने उतारा, और जब उतारा तो आने के बाद सबसे पहला अमल क्या किया? रोए। जनाबे आदम जब सलामजी पहाड़ पे उतारे गए श्रीलंका में, तो आने के बाद सबसे पहला अमल क्या किया? उन्होंने रोना शुरू किया। ये जितने भी इंसान है किसकी औलाद है? आदम की है ना। अब बाप क्या कर रहा है दुनिया में आने के बाद? रो रहा है या हंस रहा है? रो रहा है ना। तो अब जो रोने को बिदत कह रहा है वो सही औलाद नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान में लिखते हैं कि जनाब आदम इतना रोते थे कि उनके आंसू जमा हो जाते थे और एक छोटे से तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेते थे, और सहरा के जानवर उसे पानी जो आंखों का अश्क होता था उसे पीते थे। अब एक वाकई अजीब लिखा उन्होंने कि जनाब आदम एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। हिरनों का, हिरन जो होते हैं उनका एक गरोह जा रहा था, जनाब आदम को रोते हुए देखा, रुक गया, और रुकने के बाद में आदम की मोहब्बत उन जानवरों के दिल में आ गई। थे वो जानवर लेकिन मोहब्बत आदम की दिल में आई। इनकी आंखों से भी अश्क जारी हुए, कुछ देर तक ये रोते रहे, रोने के बाद फिर वापस अपने गरोह वालों में जब गए तो जो दूसरे गरोह के हिरन थे उन्होंने कहा तुम्हारे जिस्मों से खुशबू आ रही है, ये तुमने कौन सा ऐसा काम किया कि जो खुशबू आ रही है? उन्होंने कहा भाई हमें तो नहीं पता, हमने देखा कि एक शख्स रो रहा था और ऐसे जारो कतार रो रहा था कि उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आ गई और हमने भी अश्क बहाए। तो कहां है वो? का फला जंगल पे बैठा हुआ है। अब कुछ जानवर जो और दूसरे गरों वाले थे वो भी वहीं आए, उन्होंने भी देख के रोना शुरू किया। ये जब वापस गए इनके यहां खुशबू नहीं। भाई रोए तो ये भी हैं, रोए ये भी है भाई, रोए तो सभी, ये भी रोए ना वो भी रोए। उन्होंने कहा ये मोहब्बत में रोए, ये देख के रोए, ये लालच में रोए। तो रोना भी दो तरीके का है, कोई मोहब्बत में रोता है भाई, पहाड़ों में रोना, गारों में रोना, ये अलग ही बात है ना। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने इन जानवरों को अवार्ड क्या दिया? जो आदम की मोहब्बत में रोए, जाते वाजिब ने उनके जिस्म में मुश्क पैदा कर दी, और ये सारे जानवरों में नहीं होती, सब हिरनों में नहीं पाई जाती, बल्कि वही नस्ल चली आ रही है जो उन्होंने गिरिया किया था। अल्लाह ने बता दिया कि जब हम जानवरों तक का, देखें आप और करें, जानवरों तक का इतना ख्याल रखते हैं कि वो इंसान की मोहब्बत में जब वो रोए, जब उन्हें इनाम और इकराम, जबकि वो आदम की मोहब्बत में रोए, तो जब आदम की मोहब्बत में रोने वालों को वो खाली नहीं रखता, तो फख्र आदम हुसैन की मोहब्बत। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
तो अल्लाह ने जानवरों तक को इनाम दे दिया कि ये है इनाम। हालांकि और भी जानवर आए, लालच में आए थे, इसलिए कि नियतों का खालिक है अल्लाह। किस नियत से कौन रो रहा है? ए? हम नबी से दूर भी रोए नियत अगर सही है, कोई बिल्कुल करीब जाके रोए नियत सही ना हो। अल्लाह नियतों को देखता है, इन्नमा अल-आमालु बिन्नियात। ये अमाल डिपेंड करते हैं नियत के ऊपर, जैसी नियत है वैसी उसकी जजा भी है। अगर नियत खालिस है तो वो खाली के मुतलक उसी तरह जजा भी देता है। तो अब ये आगाज जनाब आदम का जो हुआ वो गिरिया से हुआ है, नहीं? अच्छा, अब औलाद आदम चाहे वो बिदती के घर में हो या सुन्नत को तस्लीम करता हो रसूल की, उसके घर में बच्चा कहीं भी आए किसी घर में आए, हंसता हुआ आता है या रोता हुआ? हैं? रोता हुआ आता ना। अब तो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होती उसे अगर बच्चा नहीं रो रहा है उसे पीट रही है, नन्ना सा बच्चा अभी दुनिया में आया उसे मार रही है, उसकी पीठ थपथपा रही, भाई क्यों थपथपा रही हो? कहा ये रो नहीं रहा। अरे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं रो रहा, छोड़ छोड़ दो उसे। उन्होंने कहा साहब नहीं रोएगा तो इसे मुर्दा माना जाएगा। है? अगर ना रोए तो इसे मुर्दा तस्लीम किया जाएगा। इसका मतलब आज जमाना समझ चुका है कि रोना जिंदगी की दलील है और ना रोना मुर्दा होने की दलील है। तो जिंदगी का आगाज गिरिया से है, आदम का आगाज गिरिया से है। चूंकि आदम की सही नस्ल जो है सही औलाद है, अरे जब आदमियत का आगाज गिरिया से है तो साल का आगाज अगर गिरिया से है तो इसमें आपको एतराज क्या है? यानी आदम की जिंदगी है और आदमियत का आगाज गिरिया से हो, साल का आगाज गिरिया से ना हो। मोहब्बत और होती है, इबादत और होती है। जहां जाते हैं ये आंसू वहां सजदा नहीं जाता। जो आंखें पाक होती हैं वो खुद ही भीग जाती हैं, जो आंखें पाक होती हैं वो खुद ही भीग जाती हैं। गमे शब्बीर में रोना यहां सीखा नहीं जाता, इसलिए कि एक मजलूम का जिक्र जब सुनता है तो दर्दमंद इंसान के दिल में दर्द पैदा होता है। जानवरों से भी तालीम, जानवरों ने भी हमें यह दर्श दे दिया कि आदम, इसलिए कि जब देखा गया तारीख में पांच जाते रोने वाली गुजरी, सबसे पहली जात का नाम आदम है जो बहुत ज्यादा रोए, इतना रोते थे के आंसू यकजा होते थे और एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। दूसरे जनाब याकूब है ना, सूरह यूसुफ जो बार बार सूरह कुरान मजीद का 13वां पारा, उसकी आयत नंबर 84, या असफा काला या असफा अला यूसुफा अब यज्जतना हो मिनल हुज्न फहुवा कजीम। जनाब याकूब क्या कह के रोते थे? हाय यूसुफ, अफसोस यूसुफ पर। तो हाय कह के रोना ये नबी की सुन्नत है ना। अब अगर कोई हाय हुसैन कह के रो रहा है तो ये बेदत नहीं है, इसलिए कि तो नबी की सुन्नत है। या सफा, अफसोस यूसुफ पर, हाय यूसुफ कह के रो रहे। और कितना रोए? अब यज्जत तैना हो मिनल हुज़्न, उनकी आंखें सफेद हो गई गम की वजह से। वह हुआ कजीम, वो तो रंज के जाप्ते वाले थे, नहीं जब्त करने वाले थे रंजो गम को, लेकिन उसके बावजूद इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। एक सवाल और होता है कि साहब हुसैन तो शहीद है और शहीद के माने है जिंदा, तो जिंदे पर रोना कहां जाया जाए? याकूब से पूछो यूसुफ जिंदा है या मुर्दा है, है? भाई याकूब जो रो रहे हैं यूसुफ के ऊपर, तो यूसुफ जिंदा थे या मुर्दा? नाउज़ बिल्ला, जिंदा थे ना,
कितना रोए, लगाओ फतवा याकूब के ऊपर कि याकूब ये क्या बिदत कर रहे हो। फतवा लगाने वाला खुद दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा, इसलिए कि मामला नबी का है, उम्मती का नहीं है। है तो नबी ने हमें यह अमल दिया कि ये जो जुदाई है ये गिरिए पर आमादा किए हुए हैं। तो दूसरी जात रोने वाली वो जनाब याकूब, और तीसरे खुद यूसुफ। तारीख कहती है कि बाप के फिराक में इतना रोते थे कि सोने वालों की नींदें उड़ जाती थी, कैद खाने में थे जनाब यूसुफ, इतना रोते थे। ये जनाब यूसुफ तीसरी जात। चौथी जात हुसैन की मादर मेहरबान फातिमा जहरा, जो बाबा की जुदाई के बाद रोई। कितना रोई ये आपको मालूम है, कोई बेटी बाप पे इतना ना रोई होगी कि जितना गिरिया शहजादी ने किया। ये है चौथी जात रोने वालों में। और पांचवी जात वो सजदों को जिंदगी देने वाला सैयद सज्जाद, जो 35 साल खून के आंसू रोता रहा, जब भी कभी पानी आया तो रुख करबला की तरफ किया, हाय मेरा गरीब बाबा प्यासा शहीद किया गया। ये वो पांचवी जात है जो गिरिया करने वालों में है। ये पांच जातें, रोए जनाबे दाऊद भी, रोए जनाबे नूह भी है, लेकिन ये फराक में जाते रोई। आदम जन्नत के फराक में रोए, याकूब यूसुफ के फराक में रोए, यूसुफ याकूब के फराक में रोए, फातिमा नबी के फराक में रोई, और मेरा चौथा इमाम अपने गरीब बाबा के फराक में रोया, मेरा बाबा प्यासा शहीद किया गया। यकीनन एक गरीब को पुरसा देने के लिए इतना बड़ा मजमा है। हुसैन अपना प्यारा वतन छोड़ रहे, अजाखाने सज गए हैं अजादारों, करबला का मुसाफिर हमारे घरों में मेहमान बन के आ चुका। और जब कोई मेहमान आता है तो उसकी बड़ी खिदमत की जाती है। ए जहरा के बेटे, तू करबला को छोड़ के हमारे अजाखानों की जीनत बना, इतना बड़ा मजमा तुझे पुरसा देने के लिए आया है। और सिर्फ हुसैन नहीं है, बल्कि तारीख कहती है कि एक मुसाफिराए शाम शाम की कब्र को छोड़ देती है और जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र पे आ जाती है और कहती, अम्मा मेरे भाई के आजादार जमा हो गए। और एक गरीब मां अपने लाल का बुरसा लेने के लिए आती है। आजादारों, ये अय्याम शहजादी के पुरसे के लिए है। एक गरीब बेटे का बुरसा फातिमा जहरा को दो, उस गरीब का पुरसा के जिसे पुरसा देने वाले करबला में थे लेकिन दे ना सके। हां, जब 28 रजब आई तो जहरा के लाडले ने तैयारी का हुक्म दिया, महमिले तैयार हों, सामान सफर तैयार किया जाए। आज 1400 साल के बाद जब हम हुसैन के सफर का तस्करा सुनते हैं तो हमारी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो जाता है। जरा गौर कीजिए कि जिन चाहने वालों ने हुसैन को अपनी आंखों से मदीना छोड़ते हुए देखा होगा, उन पे क्या गुजर रही होगी कि जहरा का लाडला हमारा आका और मौला मदीना छोड़ रहा है, अब पलट के मदीने में वापस नहीं आएगा। हुसैन अलविदा कह रहे हैं मदीने को, रसूल के रोजे पे आए और ऐसे लिपट गए जैसे रसूल के जिस्मे अकदस से लिपटा करते थे। नाना, आपकी उम्मत अब मुझे मदीने में नहीं रहने देती। बयान करते करते एक मरतबा हुसैन रोते रोते महवे ख्वाब हो गए। जैसे ही महवे ख्वाब हुए तो ख्वाब में देखा कि रसूल आए हैं और रसूल के साथ तमाम फरिश्ते हैं और रसूल अपने सीने से लगा के कह रहे, हुसैन बहुत जल्दी तू मेरे पास में आ जाएगा बेटा हुसैन, लेकिन एक मरहला है, इसे तय कर लेना मेरे लाल।
बड़ा मुश्किल मरहला था। हुसैन ने ख्वाब में आके, रसूल ने ख्वाब में आके हुसैन को तसल्ली दी, कहा बेटा अब बहुत ज़्यादा तुम देर टाइम तक जिंदा नहीं रहोगे, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। हुसैन जब ख्वाब से बेदार हुए तो रोते हुए चाहने वाले जमा हो गए और कहा कि मौला हुसैन क्या बात है? कहा मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा, सर बरहना और पा बरहना है, फरिश्तों का हुजूम साथ में है, कह रहे बेटा बहुत जल्द तू मेरे पास में आ जाएगा। रोते हुए नाना की लहत से, नाना की कब्र से रुखसत हुए और माँ की कब्र की तरफ बढ़े और इस तरीके से लिपट गए कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ से लिपट जाता है। लिपटने के बाद कहा अम्मा रात के अंधेरे में आपकी कब्र पे चिराग जलाने वाला हुसैन जा रहा है, अम्मा वापस पलट के नहीं आएगा, अम्मा जब भी रात तारीख होती थी मैं आपकी लहत पे आ जाता था, अम्मा मैं चिराग रोशन किया करता था, लेकिन आज के बाद ये कब्र वीरान हो जाएगी, आज के बाद हुसैन चिराग रोशन करने के लिए लहत पे नहीं आएगा। अम्मा अम्मा दुआ करना आपका लाडला हुसैन हर मंजिल पे साबित कदम रहे। अम्मा मैं करबला में पहुंचूं तो मेरे हौसले में कमी ना आए। अम्मा दुआ करना जब मैं कड़ियल जवान अकबर के सीने से बर्छी का पल निकालूं तो मेरे हौसले में कोई कमी ना आए। ए अम्मा दुआ करना जब आदो मोहम्मद के लाशे हाथों पर हो तो मेरे हौसले में कोई कमी ना आए। ए अम्मा दुआ करना जब नाजनीन कासिम के लाशों के टुकड़ों को अबा के दामन में समेटू तो मेरे हौसले में कमी ना आए। हुसैन कहते जाते हैं, रोते जाते हैं, अम्मा दुआ करना जब एक दूध पीते हुए बच्चे की नन्ही सी लाश मेरे हाथों में हो तो मेरे हौसले में कोई कमी ना आए। हुसैन कहते जाते हैं, रोते जाते हैं, एक मर्तबा गरीब हुसैन ने कहा अम्मा दुआ करना जब खेमे जले और जैनब की चादर छिन जाए तो मेरा हौसला बरकरार है। एक मर्तबा फातिमा जहरा की कब्र हिलने लगी, आवाज आई हुसैन मेरा पास कहा है। हुसैन ने आवाज दी गाजी अब्बास, अलमदार अब्बास, वफादार अब्बास, अम्मा बुला रही है। दौड़ता हुआ कमर बनी हाशिम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आका क्या हुक्म है? अम्मा बुला रही है। शहजादी की लहज से कमर बनी हाशिम अब्बास निपट गए, शहजादी क्या हुक्म है? गुलाम हाजिर है। अब्बास देख तू मेरा बेटा है, जैनब के पर्दे से खबरदार। लरज गया 32 बरस का अब्बास, कहा शहजादी इन दोनों हाथों का वास्ता, जब तक दोनों बाजू सलामत रहेंगे जैनब की तरह कोई मैली निगाह उठा के नहीं देखेगा। बहुत देर तक बेटा अपनी मां की लहज से लिपट के बयान करता रहा और रुखसत होने के बाद एक गरीब भाई अपने गरीब भाई से मिलने गया। भैया गरीब भाई मिलने के लिए आया है, आज के बाद आपकी लहत पे हुसैन नहीं आएगा। भैया अपने भाई की लहत से निपट गए। भैया हुसैन हमने मदीने में जिंदगी गुजारी है, भैया साथ में रहे हैं, लेकिन भैया आज हमारा साथ छूट रहा है। भैया तुमने मदीने को आबाद किया है, मैं करबला आबाद करने जा रहा हूं।
रुखसत हुए भाई की लहर से भी हुसैन। हाँ यही हक है गिरिया का आजादारो। शहजादी फातिमा जहरा ने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, एक सवाल किया था, बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? बेटी फिक्र ना करना, हर दौर में एक कौम होगी जो आजाद खानों में आके तेरे मजलूम का मातम करेगी, तेरे मजलूम हुसैन को पुरसा देगी। जिस कौम के बच्चे अली असगर को पुरसा देंगे, जिस कौम के नौजवान अली अकबर को पुरसा देंगे, जिस कौम के जईफ करबला के जईफों को पुरसा देंगे। बड़ी दुआएं देती है शहजादी फातिमा, मेरे बच्चे के आजादार सलामत रहे, मेरे बच्चे के आजादार सलामत रहे। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो आंखें मेरे हुसैन ने जद के गम में अश्कबार होती है, कयामत के दिन सारी आंखें रोएगी लेकिन वो आंखें ताबिंदा होगी। छठे इमाम फरमाते हैं जो मेरे मजलूम के मातम में, मजलूम के गम में रोए या रोने वालों की सूरत बनाए, हम वादा करते हैं कि जन्नत के वारिस हम वादा कर रहे हैं उन्हें जन्नत देंगे। हाँ यही हक है अदादारों रोने का, इसलिए कि आगाज हो चुका है और हम पुरसा देने के लिए जमा हुए। दो जुमले और सुन लीजिए। हुसैन आ गए बैतुल शरफ में, बीबियां तैयार हो रही हैं, अमारियां तैयार करो अब्बास। कमर बनी हाशिम है, कड़ियल जवान हम शक्ले नबी शबीह पैगंबर, बीबियों को तैयार करा रहे हैं। महल्ले की बीबियां शहजादी के घर में हैं। कुछ बीबी आई और शहजादी जैनब से पूछा, शहजादी सुना है तुम्हारा गरीब भाई वतन छोड़ रहा है, करबला जा रहे हैं हुसैन, क्या आप साथ में जाएंगी? शहजादी ने कहा अगर मेरा भाई ले गया तो मैं भाई के साथ करबला जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे भाई हुसैन मुझे साथ न ले गए तो मैं अपने भैया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उधर मेरे भाई की सवारी जाएगी, उधर पीछे पीछे बहन का जनाजा जाएगा, मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। किसी ने रबाब से सवाल किया, बीबियों ने सुना है हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, करबला जा रहे, आप साथ में जाएंगी? कहा मेरे सरताज ले गए तो जरूर जाऊंगी, नहीं ले गई ये मेरा मुकद्दर है। किसी बीबी को यकीन नहीं था कि मैं जाऊंगी, लेकिन यही कह रही थी हर बीबी आका हुसैन ले जाएंगे तो हम जाएंगे। किसी ने हुसैन की बीमार बेटी सुगरा से पूछ लिया, सुगरा तुम्हारा मजलूम बाबा, तुम्हारा गरीब बाबा वतन छोड़ रहा है, करबला जा रहा है, आप साथ में जाएगगी? तब के जवाब दिया, कोई जाए या ना जाए सुगरा जरूर जाएगी, सुगरा जरूर जाएगी। कहा सुगरा तुम्हें इस हद तक यकीन क्यों है? कहा इसलिए यकीन है कि बाबा की मजबूरी का नाम अकबर है, अकबर की मजबूरी का नाम सुगरा है। बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकते, अकबर सुगरा के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मुझे यकीन है मैं जरूर जाऊंगी। अजादारों काफले की तैयारियां हो रही थी, काफला तैयार हो रहा था, किसी ने आका हुसैन से आके कहा कि मौला हुसैन सुगरा महमिल में सवार हो गई। बस आखिरी जुमले अजादारों, सुगरा महमिल में सवार हो गई है, हर भाई की बहन सलामत रहे, हर बहन का भाई सलामत रहे। मौला हुसैन सुगरा महमिल में सवार हो गई, हुसैन ने और कुछ नहीं किया, आवाज दी बेटा करियल जवान अकबर। 18 बरस का नौजवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबा क्या हुक्म है? बेटा सुगरा महमिल में सवार हो गई है, तुम्हारे अलावा कोई सुगरा को महमिल से नहीं उतार सकता। अकबर सुगरा की महमिल के करीब गए, अजादारों सुगरा से उतरने के लिए नहीं कहा, महमिल के करीब गए, रोना शुरू किया
और इतनी जोर से आवाज के साथ रोए कि रोने की आवाज सुगरा के कानों से टकराई। बहने सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन नौजवान भाइयों को रोते हुए नहीं देख सकती, अपने भाइयों को रोते हुए नहीं देख सकती। जैसे ही अकबर के रोने की आवाज सुगरा के कानों से टकराई, वैसे ही महमिल का पर्दा हटा के रोते हुए अकबर को देखा, देख हाथ जोड़ के कहा, भैया तू रो नहीं, मैं महमिल से उतर रही हूं, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। भैया मैं महमिल से उतर रही हूं, मैं वादा कर रही हूं मैं जिद नहीं करूंगी, लेकिन भैया तू रो नहीं। अपने हाथों को बढ़ा दिया, अकबर ने अपनी गरीब बहन को महमिल से उतारा, उतर गई महमिल से सुगरा। उतरने के बाद अपने जवान भाई का बाजू पकड़ लिया, भैया अब मैं वादा कर रही हूं जाने की जिद नहीं करूंगी, सुगरा मर जाएगी लेकिन करबला की जिद नहीं करेगी, भैया मैं तुझे कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मेरे पास आ मेरे भाई। एक गोशे में ले गई, नर मिट्टी को जमा किया, भैया चलते चलते गरीब बहन से एक वादा करके जा, इस नर मिट्टी पे अपना पांव रख दे। रख दिया करियल जवान ने अपना पैर, कहा भैया अब हटाओ। अब जो हटाया तो निशाने कदम उस नर मिट्टी पे उभर आया। बहन सुगरा ये क्या है? कहा भैया ये आपका निशाने कदम है, जब भी आपकी याद आएगी मैं यही आऊंगी, अपना रुखसारा रख के इस निशान पे आवाज दूंगी, भैया अकबर मैं तुम्हें जब भी याद करूंगी यही आ जाऊंगी। अकबर की आंखों से अश्क जारी, चलते हुए अकबर से कहा भैया वादा करके जा कि अपनी गरीब बहन को लेने के लिए आएगा। बस अदादारों मजलिस तमाम हो गई। आखिरी जुमला, भैया ए परदेश जाने वाले गरीब भैया, ए परदेश को आबाद करने वाले, अपनी बहन से वादा करके जा कि उसे जरूर लेने के लिए आएगा। अकबर ने वादा किया, बहन अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मैं जरूर लेने के लिए आऊंगा। अकबर ने वादा किया, जाते हुए अकबर को बहन ने देखा, ए परदेश जाने वाले गरीब भैया खुदा हाफिज, परदेश में जाके अपनी बहन को भूल ना जाना, ए जाने वाले खुदा हाफिज। काफिला तैयार हुआ और तैयार होने के बाद अभी दो चार कदम बढ़ा था कि सुगरा को अपने छोटे भैया असगर की याद आई, अपने न छोटे से सहन में दौड़ी और दौड़ते दौड़ते जमीन पे गिर गई, उठा नहीं गया सुगरा से। बीमार जब उठ ना सकी तो कोहनियों के बल चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे और एक मरतबा रुक करके जाने वालों की तरफ के, ए जाने वालों रुक जाओ। अब्बास के कान से सुगरा की आवाज टकराई, आका हुसैन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, आका सुगरा दरवाजे पर आ गई। अब्बास थोड़ी देर के लिए काफले को रोक, जहरा का गरीब बेटा दरवाजे पर आया, अपनी बीमार बच्ची को उठाया सीने से लगाया, बेटी हमने समझा दिया था ना शिद्दत गर्मी है, तुम बीमार हो, सफर तवील है, बाबा मैं जिद नहीं करूंगी, मैं जाने के लिए नहीं, आखिरी बार मेरे छोटे भैया असगर से मिला। बहने अगर बड़ी हो भाई छोटे हो तो ज्यादा वक्त भाइयों को खिलाने में गुजर जाता है, कभी सीने से लगाती है, कभी हाथों में लोरिया सुनाती है। बच्चे के छोटे भाई अगर होता है, बहने बड़ी होती है तो बार बार बेशानी पे कभी बोसा देती है, कभी चेहरे पे मुंह रख देती है, बार बार प्यार करती है। फितरत के मुताबिक इस बहन को भाई की याद आई, मुझे आखिरी बार मेरे भैया असगर से मिला दो, पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, फिर अकबर से असगर से मुलाकात हो या ना हो। हुसैन ने आवाज दी, अब्बास रबाब की महमिल को बिठा दिया जाए। रबाब की महमिल को बिठाया गया, रबाब असगर को ले आओ, अपने सीने से लगाए, एक छोटे से बच्चे को रबाब आई और एक मरतबा कहा, रबाब असगर को सुगरा को दे दो, छोटा सा बच्चा है, चंद दिन का बच्चा है अभी, लेकिन हुसैन का बच्चा है। जैसे ही बहन की गोद में गया, शहजादी सुगरा ने अपने लब असगर की पेशानी पर रख दिया
और रोते हुए कहा, भैया सब छोड़ के